बाबू अंशु 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 बासु सुन सही सुन ये बासु ना ये जो विशु है ना विशु अंशु प्यार करना बहुत करता है लेकिन उसमें एक ही कमी है जो बात दिन में रहती नहीं है। ये ठीक है क्या है? कल ही इसने पंगा कर दिया पता है ना, करा नहीं करा अरे यार इधर देखना छोड़ इसको यार, मोबाइल क्यों देख रही है? यहाँ बात कर मेरे से, मैं तेरे बात कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया। अरे मैं पागल हो गया? हाँ दो यार तू हाय तो कर दे मेरे को, अपने बुढ़े को। रहना साधु तूने मैं नहीं है। अरे साधु तूने मैंने तो रहना है, बुढ़ापे में सारा हम एक दूसरे होंगे। तो इसको छोड़, मोबाइल छोड़। क्या है कवर जगह यार, ये थोड़ा होता है। अरे कम से कम अपने सुख दुख बुढ़ापे में ही आप एक दूसरे बूढ़े बूढ़े प्यार होता है। हूँ क्या फिर क्या है ये? व्हाट इज दिस? कुछ तरीका है क्या? मैं क्या करूँ हैं? अरे यार आए ले रहा हूँ कि क्या है? अरे यार क्या कहूँ अब? अरे बुढ़िया बात सुन ले इधर देख, इधर देख सुन, बुढ़ा में साथ में ही दूंगा तेरा, ना बहू देगा ना बेटा देगा। हूँ क्या करे? इधर देख ना। अरे मैं साल मोबाइल उठा के फेंक दूंगा। मोबाइल में क्या करे? इसे होता तुझे मेरे से कोई लेने देना नहीं है, है ना? ठीक है, मुझे अकेले छोड़ा, अकेले छोड़ दो, छोड़ दो। बहू भी बेटी भी मेरी बीवी है, छोड़ दो अकेला मुझे। ठीक है, ओके डन। और सपना से बंद कर दे बेटा, नहीं बेकार है। इसको अपने मोबाइल से प्यार है और किसी से नहीं। अपने पत्नी ना पति से प्यार है, ना बच्चों से, और ना बहू से, ना किसी प्यार नहीं है इसको। मुँह क्या कर रही है? हंस क्या रही है? मुँह क्या दिखा रही है? छोड़ यार, तो अशोक के नहीं आए हट, तेरा मतलब ये जीवन खत्म ही है। फिर तो लास्ट में अपने बहू और बेटे से मोह है, अपने पति से मोह नहीं है तुझे, है ना? तभी तो मुझे इग्नोर करिए ना। मोबाइल लग गया क्या रहा मोबाइल में? अरे क्या रहा मोबाइल में? दिखा दो दे, बता दो दे क्या रहा मोबाइल में? क्या रहा इसे क्या बोल रहा है? मेरी लाइफ खत्म ही है, लास्ट दी एंड है। चलो ओके गुड नाइट। सपना बंद कर उसको, बंद कर उसको। लेकिन तेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, बिल्कुल मुझे इग्नोर करती है। लेकिन बुढ़ापा मेरा खराब होना है, मेरा जो मेरा बुढ़ापा है ना, ये खराब होने ही होना है। उसको अपने बहू और बेटी प्यार है, और लास्ट में मुझे जाना पड़ेगा उनके शरण में, और उन्हीं के आश्रम में रहूंगा मैं, वही रहूंगा मैं। और क्या है, मैं वही रहूंगा। हमारे हाथ में छोड़, एक्टिंग मत कर, एक्टिंग क्या करा, खान के खाना। मैं अभी मैं थोड़ा वीडियो बना रहा था, मेरे साथ देखने करिए न करिए, इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो अपने बहू और बेटे से प्यार है बस। शादी प्यार करी है हाँ, जो लव लेटर में भेजती थी, और लव लेटर जो मैं लेटर भेजा इसको, लव लेटर भेजे मुझे, मैंने जो उसको लेटर भेजे जब आप सुबह विदाई हुई। अब वो जो गुरु देते हैं, जो गाय को देते हैं, अब गाय गौदान होता है, गौदान में क्या होता है कि उसको देते हैं पूरी वगैरह, पूरी देते हैं गाय को खाने के लिए। तो भाई साहब मैं हैरान रह गया कि जो मैं लेटर बनाए, जो उसको भेजे थे, मेरे लेटर पड़ता स्पेशल, उसमें होता था फूल बने हुए, उसमें फूल बने होते थे सब कुछ। और मैं बताता हूँ, अपने दोस्त मेरा बम्बई में है रवि, उससे वो मुझे लेटर भेजता था वहां से, तो वो लेटर उसको भेजता था हमेशा। एक साल तक जब उसको देखा, देखने के बाद ये गाँव चली गई। गाँव जाने के बाद
तो मैं एक बार इसने कहा मैं इसको लेटर भेजा तो ऊपर से पार्टी से आ रहा हूँ, वो बर्थडे पार्टी थी, मैं आता हूँ, लेकिन जैसे ही हमारी जैसे ही उसको देखने गया तो मुझे पसंद आई थी, मुझे पसंद आई पहले मुझे तुमने इन्हीं मुंह में पसंद मेरे दाने ना, मुझे भी पसंद नहीं आए ना, वो तो पहुंचे थे, मुझे मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने मैंने कहा पापा से देखा, मैं पापा उनको बता भी, मैंने बेटा मैंने पापा अच्छा गांव अभी चलते गुलाबाग, मैं जब घर जाऊँगा फिर बताऊँगा, इन्होंने अभी बता पापा हमारे जवान है मेरे अभी बता, मैंने जो मर्जी करना करो, मेरा दोस्त था भगवत चौना का, हम दोनों आगे गुलाबाग, गुलाबाग आने बाद ठीक है आगे भी घर आए, मैंने जुबान कर दी पापा जो मेरे जुबान है मैंने कर दी, अब शादी वहीं होगी। अरे मैंने पापा मेरी तो बात तो सुनो यार, मैंने आपने कहा था कि मैं घर आके बताऊंगा, आपने जुबान कर दी, मैंने जुबान कर दी अब ठीक है, अब भाई अब लड़के हैं उनका आगे करी बैठे हैं अपने बापों के बाप के, तो मैंने मैं चुप रहा कुछ नहीं कहा, ठीक हो गया। उसके बाद अब ठीक है, अगर मैंने क्या करूँ यार, अब जो मेरा दोस्त था भगवत जो मुझे देखने गया था, उसका छोटा भाई भी था, छोटा भाई भी सामना था, तो मैंने क्या करा एक लेटर लिखा इसको, तो मैंने कहा एड्रेस भी लिख दिया अपने गुलाबबाग का, मैंने जो है लेटर लिखा, मैंने चुपचाप जाके दे दियो इसको। अब वो गया, अब वो दो तीन चक्कर तो उसने लगाए और उसको वो दिखाई दी इसको, वो चुपचाप, अब इसकी जो बड़ी बहन है ना किरण दी, वो कहे क्यों चक्कर बार बार आ रहा है यार, ये रहता गुलाब बार बार क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। उसने कहा यार कुछ नहीं, एक लेटर था, मुझे लेटर देख लिया, मुझे सब पता ना ना क्यों नहीं, उसने इसने लेटर इसने लेटर पढ़ा, उसने किरण लेटर दिया तो लेटर पढ़ा तो ठीक है। अब जो है उसके बाद हमारा लेटर क्या आदान उसमें तो स्थानीय वीडियो तो था नहीं उसमें कि वीडियो में बात करें, फोन में बात करें, फोन तो थे नहीं गाँव में, यहाँ उसमें फोन थे ही नहीं, तो लेटर हमारे चलते थे प्राण के लिए, मेरे प्राण नाथ भाई मैं तो वो लिखता था, वो मैं ये चल रहा था हमारा। अब एक साथ हमारे क्या है गुलाबबाग जो रात के स्कूल था मॉडल स्कूल ना ना मॉडल स्कूल, उसमें भाई साहब मुझे लड़कियां कहती थी धर्मेंद्र है, मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, और एक क्वेश्चन थी हिमाली ना, उसमें क्या था हमारे हमारे एक होता क्लास में डेस्क गुलाब को ना, एक डेस्क होता था उसमें मैं और नीरज वर्मा वो साथ में था, हम दोनों एक साथ बैठते थे, तो हमारा जो डेस्क था उस डेस्क में हम अपना नाम बिल्कुल खोद के लिखा था बिल्कुल रिटन, और वो डेस्क अगर चला गया चौथी मंजिल में स्कूल के, हम सारा अपने क्लास में लेके आते थे उसको। तो उसके बाद आज अब जो आपको लड़कियाँ थी वो कई चार पांच लड़कियाँ होंगी, उन्होंने हमारा नाम देखा होगा, उन्होंने लेटर लिख दिया उल्टे अक्षर में लिखे हुए आई लव यू फॉर यू, उल्टे उल्टे शब्द मतलब जैसे देवेंद्र वीरेंद्र ऐसे ऐसे, अब मैं समझ गया लेटर कैसे आ गया कैसे आ गया, चलो ठीक है अब लेटर आया था हम पढ़ा, मैंने कहा हमने अगले दिन जवाब दे दिया, आप भी हमें बहुत हम भी आपको बहुत वक्त है जस्ट लगे सिस्टर जस्ट लगे आप सिस्टर कैरेक्टर लूज नहीं था बिल्कुल जनरल थे, हमने कहा जस्ट लाइक यू आर आवर सिस्टर वी लव यू। उसके बाद ठीक हो गया, अब इसको अब बात चली शादी की, तो अब गए भी आनंद देखने के लिए, अब ठीक है ये आई अब देखा दुखा तो मुझे तो कोई खास खास नहीं लगी ही नहीं लगी ही नहीं कैसे थी वो सुंदर ना ना कहाँ सुंदर कहाँ सुंदर कहाँ सुंदर। उसके बाद मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घर को, जो आपने करना पढ़ो और लेकिन जवाब देंगे घर जाके, बस ठीक है बस हो गई माँ आ गया माँ बर्बादी नहीं नहीं माँ आ गया सुनो ऐसा झूठ नहीं तो मम्मी से तो पूछा होगा मुझे ना ना अपनी मुझे आप माँ मिनिस्टर बताओगे या मिनिस्टर अपने अलग बनाएगी वीडियो उसकी कोई गलत है तो बताएगी। तो उसके बाद क्या मैं अपनी पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ लव स्टोरी हो गई रात्रि जमाने मेरी
रात के जमाने में जो कर दिए तो शादी करनी पड़ेगी। अब उसने भी दिखाया उसको, ये उसको मिली नहीं होगी तो उसने कहा मैं कुछ नहीं, चिट्ठी आई थी, चिट्ठी देने आया था। उन्होंने कहा लाज मुझे चिट्ठी, उन्होंने पढ़ ली, आप पढ़ के बाद ठीक है, अब जिसको पढ़ाई होगी ठीक है, अब इन्होंने मेरे लेटर भेजा, ओके लेटर भेजा ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने भी लेटर भेजा धीरे धीरे, अब ठीक है, अब जो पापा ने कह दिया जुबान तो अब तो मानना ही पड़ेगा भाई, जो पापा ने जुबान कर दिया तो पापा की जुबान पर मुझे टिक नहीं टिकना है। मैं ठीक है लेटर चलते रहे, तो मैंने भी अपनी पापा की जुबान से नहीं नहीं लेटर तो पापा की जुबान तो कोई नहीं थी और लेकिन यह इसकी मम्मी ने भी क्या कहा, मेरे सासू माँ ने क्या कहा वो भी बताऊंगा तुम्हें, क्लियर ठीक है। अब लेटर चल गए, फिर लेटर पर लेटर चल रहे और उसमें शेर शायरी भी चल रही है, अब उसमें तो टेलीफोन थे नहीं, अब ठीक हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बार मिल गया, वो मैं गाँव जा रहा था स्कूल पढ़ते थे, मैंने गाँव जाना था, मैंने गाँव जाता हूँ तो उसके लेटर भेजा कि मैंने इस दिन जो है मैं गाँव दिल्ली से निकल रहा हूँ, आप मुझे मासी मिलना, सुनो मासी मिलना, अब मैं फर्स्ट क्लास चश्मा हसमा पहन के दुकानदार मैंने उसका इसको एड्रेस दिया वहाँ का कि आप वहाँ मुझे मिलने आना। अब मैं ठीक है भाई, अब मैं यहाँ दिल्ली से जा रहा हूँ भाई, नेचुरल है, चश्मा चश्मा ला के हीरो थाई में स्मार्ट, बिल्कुल इतना स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, और मैं जा रहा क्या जल रहा यार, मुझे सब धंधे धंधे कहते थे दिल्ली में भी दोस्त तक सब, अब वहाँ नहीं और मेरे बाद यहाँ तक जो कहते पता नहीं आपने खुद बताई हिस्ट्री, तो अब मैं वहाँ गया था चश्मा, अब मैं मगर सिंह दुकान पर खड़ा हुआ, आधा घंटा हो गया पौना घंटा हो गया पता ही नहीं इसका, मैंने कहा सारा बेकूफ बना दिया, तो इतनी छूट थी हमें उस टाइम, ना ना छूट गया इतनी छूट, अरे अरे बहाने अरे बहाने से आती थी कि भाई मासी आएगी, मैंने ये मासी इनका कितना है, अरे आए नहीं मोह के निराश, और क्या निराश, मैं निराश हो गया, तो होना ही था, इतनी छूट थी हमारे को उस टाइम, छूट थी छूट थी ना ना। अब उसके बाद मैंने सुनने की है, उसके बाद आ गया घर को, फिर बस नहीं हुआ तो ठीक है। अब उसके बाद ठीक है फिर लेटर चलते रहे, अब मैं भी गुलाब वाला लेटर कोई देखूं हफ्ते एक हफ्ते बाद कोई लेटर आया है, कोई लेटर आया है, तुम भी आशिकी में प्यार तो हो गया था, आशिकी में इंतजार तो था। अच्छा अब उसके बाद एक दिन सारा लेटर आया तो सारे ऊपर थी परवीन चौथी मंजिल में, वो पता नहीं उसके हाथ कैसे लेटर पड़ गया, उसको भी लेटर मिल गया मेरा इसका लिखा हुआ, उसके हाथ कैसे पड़ गया, भैया नीचे आगे भैया तुम वहाँ कोई लैमेट कोई लभाव का चक्कर मिल गया नहीं, तो नहीं मुझे लेटर मिला और वो लेटर बॉक्स में मिला नीचे गिरा पड़ा मिला, मैंने कहाँ से मिल गया, सारा ऐसी तेजी होगी मेरी, अरे यार मेरी शादी की फिक्स हो गई है, अब भाई ने पापा ने कर दिया ठीक है सब कुछ है, ओके डन सब कुछ है। उसके बाद अब एक्चुअल में दुख बहुत हुआ मुझे कि बीच में सोचो कि मैंने कैंसिल हो गया, तो मैं पहले भी गया पहले के लिए बाद में बिल्कुल मिला, मैं मिल के आया एक दो घंटे बैठ के बैठा ससुर के पास, सब कुछ आया ऐसा नहीं मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ चाहे मेरा कुछ, उसके बाद मैं मिलने भी गया सब कुछ हुआ, तो उसके बाद बातचीत भी हुई सब कुछ हुआ, जब एक्सपायर हो गए उसके बाद मैं वहाँ भी गया, मैंने कहा यार क्या करें यार, एक बड़ी बहन की शादी हुई नहीं, इसकी शादी करनी, और हमारे मित्र चले गए थे सबको, राशन सब रख गया सब राशन आ गया सब कुछ आ गया है ना सब कुछ आ गया। अब मैंने कहा क्या करता है पापा ने पापा ने कहा पापा ने क्या करें यार, तो फिर इनके भाई और वो आए थे हमारे घर पे, मैंने क्या फिर मैंने कहा ऐसा फिर आप देख लो पापा ने कहा भाई वो सुरेश था, सुरेश मामा सुरेश भी आया और वीरेंद्र भाई इनके चौधरी के लड़के वो भी आया, तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, अब हम तो सारा कुछ सब कुछ जोड़ दिया था यार उसमें सब कुछ जोड़ दिया, मैंने फिर कर लो फिर बाद में बड़ी हो जाएगी शादी, अरे सामान वामान जेवर शेवर बना के निमंत्रण तो चले गए थे यार, हमने सही बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम कर लेते शादी ठीक है हमारी हम दोनों की शादी, हम दोनों की शादी हुई, अब दुख कहाँ पर हुआ मुझे, अब ठीक है शादी है फिर, अब वो फेरे हुए सब कुछ हुए, अब जहाँ एक दोनों दोनों एक दूसरे अंगूठा पकड़ते ना भाषा जिसने ऐसा जोर से मेरा अंगूठा दबा दिया ना, अरे मैंने करीब किसी ने गुस्से में दबाया किसी में दबाया, अरे ऐसा अंगूठा पकड़ते ना बीच में फिर में आता तुम्हारे उसमें तुम्हारे उसमें नहीं होता पहले अंगूठा होता पहले का नहीं हाथ का, अच्छा ये अंगूठा पड़ा भाषा ऐसे जोर से दबाया, मैंने कहा क्या
मेरे को समझ नहीं आया। और मेरे दिल्ली से दोस्त ही बहुत आए थे, पंजाबी भी थे, गढ़वाली भी थे और गुप्ता भी थे, सारे दोस्त आए थे। अब यहाँ तक तो ठीक था उसका। और मम्मी क्या बोल दिया? मजा नहीं करो, मजा नहीं, मैं बस जो सत्य है सत्य ही कहूँगा, और पीनी और सत्य। और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं यार, ठीक है मेरे पापा ने पसंद कर लिया, मैं ओके हूँ। उस समय तो इंतजार खुद कर रहे थे कमाई की। उस समय अब ठीक हुआ। अब सुबह को ब्राह्मण ने औरत का पीड़ा बड़ी वहाँ जाके बड़ी जाके क्या था वो जो इतना टाइम से बड़ी हो गया ना ना। अरे बिगड़े के दम्पत बिगड़े थे, गुंडे गुंडे के गुंडे थे, मुझे पता नहीं था ना, मुझे पता नहीं था। छठी में से बड़ी थी, छठी में से पहले वाली की शादी हो गई। अरे नहीं ये नहीं, अब जैसी जैसी उसका कल यूं हाथ मारे पंडित जी के पंडित जन्मा थोड़ा रेस्ट तो वह पीछे वो तैयार कर रहा, मैं तैयार रखे वहाँ पीछे ऐसे पता तो कौन करता है। बस झूठ बोलता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सुनो जो मैं कह रहा हूँ लव स्टोरी, सुनो इनके लव स्टोरी सुनिए। अपनी लव स्टोरी बता रहा हूँ तो वो कह रहे तुम्हारे वो हम अपनी लव स्टोरी बता रहा तो मैं अपनी बता रहा हूँ ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं हुआ, मैं ज्यादा नहीं चार मानिए सुनो आ गए। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है नहीं तो उसका आए छठी क्लास छठी क्लास है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, झूठ क्यों बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। छठी क्लास है, सिखा दिया गाँव में माहौल ऐसा, गाँव में क्या करते हैं। तो अब उसके बाद शादी भी होगी, अब सुबह था गया था मेरा जो लेटर पैर में वो लाए बिजू, इसका छोटा भाई बिजू लाया था ना, उसमें खान रखे। अब जब गाय दे रहे वो देखा लेटर पैड प्राण प्यारी और मैं उसका देखते लेटर में देखते ही जैसे उसने गाय ने मुंह रखा मैंने पैर रख दिया उसके ऊपर लेटर के ऊपर। मेरे को ये तो बीतते हो गए, मैंने ऐसे पैर रखा और पैर से रगड़ते हुए लाए नहीं पैर नहीं पैर पर रखते हुए मैं इसको लाया ऐसे ये ज्वाल के पास आके ऐसे छुपा लिया मैंने जो उनकी ज्वाल ही पीछे नीचे बोले वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे लगा दिया मैंने। मैंने कहा यार तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई यार। अब तो तुम लव लेटर तुम संभाल के ना ना पता कहाँ रखे हैं, शादी हो तो तुम्हें पता मेरा पति मेरा होने वाला है, आप बाहर लगे लेटर देख भी लेंगे क्या फर्क पड़ा है। और वो ला रहा है उसमें ला रहा है वो रख के वो कागजों में। अब जब लेटर नहीं लेटर देखा मैंने तो मैं तो ना अरे मेरे में अरे तो अच्छा उसके बाद उसका शादी हो गई। अब दिल्ली भी आ गए ठीक हो गया, शादी हो गई दिल्ली आ गए ऐसे वैसे के बच्चे मतलब विश्व हो गया कुछ नहीं हुए। अब एक चीज पंडित पंडित थी जो कौन थी गेट के आगे एक लड़की जाती पंडित लड़की जाती एक वो हमारे घर तक आई और तुझे भगा लिया अच्छा वो जो जो आज टीवी में एक लड़की जाती एक लड़की अब वो मुझे अब वो मेरे से मिलने अब वो एक दो दिन दो तीन दिन आए मिलने के लिए अब मिलने के लिए आई तो इसे दिखाया रोज आ रही है और मेरे खुल के बात करी है भाई साहब इसने ऐसा भगाया उसको भगा दिया मुँह लगाया फिर उसने मेरे से मिलना बंद कर दिया। मैंने चलो तो कोई अच्छा लगेगा तुमको नहीं लगेगा ना अरे मेरे दोस्ती भाई मेरा कोई चक्कर नहीं था मेरा कोई चक्कर नहीं था मेरी दोस्ती अरे मेरे शुरू की दोस्ती स्कूल से मेरे स्कूल से ही दोस्ती आ गई तो अच्छा दोस्त अब दोस्त यार मिलने के लिए बिल्कुल आ सकती है फिर तो ये भाई साहब ऐसी रोज थोड़ा मिल जाएगी रोज थोड़ा नहीं रहती है तो आएगी पास में थी दिल के पास थी ना ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था ऐसा था एक एज जस्ट लाइक दोस्त फ्रेंड थी मेरी और लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब उसके साथ कोई मैं मजाक नहीं करता कुछ नहीं जस्ट लाइक कि हमारे पहाड़ी हैं ये पंडित जी हैं और हम उसके पिताजी हमारे पिताजी को जानते थे
इनके जो व्यूअर्स है ना वो मांग रहे हैं की लव स्टोरी, तो मैंने कहा इनसे पहले आपने ये अपने माँ बाप की लव स्टोरी यहाँ दिखा दे, क्या लव स्टोरी हमारी है। तो मम्मी ने कहा बताया हम पसंद आए नहीं आए इसको क्या है। अरे क्या करती निकमा मुझे मामू की इज्जत के लिए पसंद हाँ करनी पड़ी। हाँ क्या करती, नहीं तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले क्या पसंद क्या करते हैं। क्या करते हैं पता नहीं। हाँ नहीं ये बात आ रहा है, नहीं ये बात, हाँ ये बात बुलाया भैया तो इनकी मम्मी आई मुझे देखने के लिए बुलाया बात, जब बातचीत होगी ना मम्मी आई बुलाया बात देखने के लिए। चलो मनन हाय मिचल खुश है भगवान कसम, भगवान कसम मम्मी आई थी हमारे कमरे हमारे घर में आई गुलाबा आनपुर से आंदोलन आई तो उनका मेजर को बना जोश ठीक से बिल्कुल ठीक से बिल्कुल ठीक से। अच्छा मैं झूठ बोला हूँ तो कसम खा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और जबकि इनकी मम्मी खुद अकेले आई थी हमारे क्वार्टर में मुझे देखने के लिए। एवं बड़े परिवार ना ना उसे लड़का पसंद चाहिए यार, बिल्कुल लड़का पसंद है। नहीं लड़का क्या है घर में कैसा है क्या है वो तो वो खानदान क्या है खानदान देख रहा हूँ कि वतला खानदान सारी उम्र तो गांव बिताई राधा काम करने में। कौन मैंने मैंने तुमने क्या मैंने तुमने बताया अपने घर में तो अपने तुम्हारी शादी होगी अपने घर में जाए गए मेरे क्या बताई अगर तुमने जिले बताई तो चल शादी और करता कद्दू मैं तो शादी इसलिए करा कि मैंने पापा साहब कहा कि मुझे गांव की लड़की ही चाहिए और मुझे दिल में करता मुझे तो भगवान तुम्हारा SBI में जॉब करती हुई लड़की मिली थी। मैंने पापा को मना करा कि नहीं पापा मुझे गांव के जो मम्मी की सेवा करेगी मम्मी की सेवा कर जो मम्मी की सेवा करेगी मुझे वो लड़की चाहिए। दिल्ली में ठीक है जिनकी लड़की गाँव में रहती है सब कुछ करती है ठीक है मैं दिल्ली में गया ठीक है उनकी दुकान यहाँ है लेकिन बच्चे तो गाँव में सब वहीं काम करते हैं खेती बाड़ी करते हैं। मैं ठीक है मैंने पापा ने कहा कि पापा मुझे वो नहीं चाहिए कि दिल्ली में जॉब करती है मुझे मुझे अपने गांव के चाहिए जो मेरी माँ की सेवा। हमें भी जाना है यार सोने लास्ट मैं जा रहा हूँ। हाँ फिर क्या हुआ हो गया खत्म शादी होगी ब्याह हो गया शादी होगी क्या ब्याह क्या हो गया भुगत रहा हूँ भुगत रही हूँ। चलो भाई सुनो चलो चलो सब ऐसे बोलते शादी करने के बाद भुगत रहे भुगत रहे हम ये मुझे भुगत मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये बात है ये बात है लेकिन अब भी हम प्यार बुढ़ापे में होता है हम दोनों अब हुआ प्यार हम दोनों में 4 साल बाद अब प्यार हुआ है अब प्यार हुआ है हाँ बच्चे हमारे साथ न दे तो हम दो बोटे वाले एक दूसरे साथ देंगे बताओ तो इसका मैं जोगी बन जाऊँ हरे रामा हरे कृष्णा करूँ। तो दोस्तों लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा तो पता नहीं कब आएगा लव स्टोरी का व्लॉग आपने लव स्टोरी बता दिया यार लंबी हो गई बहुत।